संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। जी जी के घर पे आटी का रेट पड़ा है। ये छापेमारी को यही कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए तो हम कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। हम इसको बीजेपी की संस्था नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेशर इन पे बीजेपी का है और इसीलिए शायद मेरे घर पर रेड पड़ने के 5 मिनट पहले प्रदीप यादव जी के यहाँ रेड पड़ता है और निशिकांत दुबे जी मेरे घर का ट्वीट कर देते हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी को कैसे पता चलता है कि मेरे यहाँ रेड पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर ये बात समझनी है। हम देखिए, ये सेंट्रल एजेंसीज है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। जो वो पूछताछ कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे फिलहाल ऐसा कुछ पूछताछ है नहीं। जो भी उनके पास डिटेल्स थे वो सही थे या गलत थे, मैंने हाँ या ना में जवाब दिया है। जो मेरी संपत्ति नहीं है वो मैंने ना बोला है, जो मेरी संपत्ति है वो मैंने हाँ बोला है। बेनामी संपत्ति है ही नहीं। बहुत राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ, 6 बार के विधायक रहे हैं, इनकम टैक्स देते रहे, नॉमिनेशन में रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं। मैंने अपने नॉमिनेशन में पूरे संपत्ति का जिक्र किया हुआ है। तो बेनामी संपत्ति नाम का कुछ चीज़ हमारे पास है नहीं। संवैधानिक संस्था काम कर रही है और मैं उसका कॉपरेट भी करता हूँ। किस केस में आपके पास कुछ बताया? अब किस केस में आया है वो मैंने बीजेपी के अगेंस्ट में बोला था, बीजेपी के मंशाओं को, लोटस मुहिम को फेल किया था। और आने वाले टाइम में बीजेपी का नंबर्स मिल रहा नहीं है कि कांग्रेस विधायक को वो तोड़ सकें, तो भैया मेरे को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है ताकि जो बीजेपी का नंबर्स है जो कांग्रेस को तोड़ के उनको मिल सकता है, जो आगे जाके उनके कथाकथित बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने में बहुमूल्य साबित हो सकता है। इसीलिए मेरे घर पर रेड मारा गया। जो मूर्ति है ना, मूर्ति है सब देखेंगे, कुछ नहीं है देखेंगे, मूर्ति देखेंगे। कांग्रेसी लोग जो हल्ला कर रहे हैं उनको शांत रहने दो, समझे? कोई जरूरी नहीं है किसी के बारे में कुछ नहीं बोलने के बाद। हाय हुई मुर्दाबाद युर्दाबाद कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठा। कुछ कागजात की जांच किए गए? सामान कागजात? अरे कुछ का तो गाड़ी में बीजेपी का झंडा निकला है। सुनो, अरे देखने का ऊंच है क्या? उनके गाड़ी में बीजेपी का झंडा निकला है। किनका गाड़ी में? उससे क्या है भाई? देखिए, हम लोग को सूचना मिला है कि माननीय विधायक जी के घर पे आईटी का रेड पड़ा है, लेकिन हम लोग के आने के बाद जो आईटी के लोग आए हैं अधिकारी, उनका एक इनोवा गाड़ी जो यहाँ पे अभी भी खड़ी है और उस गाड़ी में बीजेपी का विधानसभा का कार पास लगा हुआ है, जो कि सारे मीडिया के सामने उस स्टिकर को उतारा गया है। निश्चित रूप से पहले से भी ये चला देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ में बोलते हैं, जो अपने क्षेत्र का विकास के लिए काम कर रहे हैं, गरीब गुरुओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये पसंद नहीं आता है कि कोई विधायक 1 साल में 1.5 साल में इस तरह से विकास करे। हमारे माननीय विधायक का जो कार्यकाल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है। क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे इकट्ठित है। आईटी का रेट पड़ रहा है, हम लोग ठीक है शांतिपूर्वक यहाँ पर हम लोग खड़े होकर उस चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो एक साजिश बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा था, निश्चित रूप से ये गाड़ी से सिद्ध होता है। इसमें स्टिकर लगा करके और सरकारी अधिकारी हमारे माननीय विधायक जी के घर पर रेड मारने आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और इसका हम लोग विरोध करते हैं कि अगर किसी साजिश के तहत हमारे विधायक जी पर किसी तरह का आरोप ये लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो बेरमो की जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद धर्मों की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।